झारखंड स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव मेडिकल कॉलेज के लैब, ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, गायनी और गायनी के वार्ड सहित दर्जन भर विभागों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य के दुमका, पलामू और देवघर से हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज बेहतर है। 100 में से 75 अंक इस मेडिकल कॉलेज को दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मूलभूत आवश्यकता को मजबूत करने की कवायद शुरू की जा रही है और इसी के साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में ही 500 बेड का अस्पताल निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी, जिससे कि लड़कियां पढ़ सकें और चिकित्सा के क्षेत्र में मुकम्मल स्थान हासिल कर सकें। निरीक्षण में जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय और अन्य पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन में यह पाया कि ये मेडिकल कॉलेज राज्य के जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। फैकल्टी भी यहाँ पे 136 के विरुद्ध 126 फैकल्टी है और यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं। और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उनके आने की सूचना से पूरा हजारीबाग का स्वास्थ्य विभाग सख्त में आ गया और तैयारियां आनंद फानन में शुरू कर दी। फिर भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के स्वास्थ्य विभाग अपने कमियों को छिपा नहीं पाया और स्वास्थ्य सचिव के सामने गर्भवती महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल महिला हजारीबाग जिले के कटगमदाग थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली है। महिला ने बेटी को रास्ते पर जन्म दिया और नवजात की वहां पर मौत हो गई। महिला के पति ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि जब डिलीवरी का समय दिया गया तो फिर रास्ता आखिर क्यों रोका गया। करीब 11:30 बीच में यहां पे आए थे हम चेकअप करवाने के लिए, बात को लेते डॉक्टर तो यहां तो चेक की, उसके बाद वो दवाई लिख दी, उसका बोलिए कि अगर यही दवाई लिखी है डॉक्टर, और वो बोले कि अगर दर्द कंट्रोल रहता तो समय लगेगा, दर्द बढ़ जाता है तो रात तक या कल तक डिलीवरी होगा। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाजू उधर नवाबगंज रोड में ले गए, वहाँ पर अचानक वाइफ को दर्द चालू हो गया, वहीं लाने क्रम में यहाँ पे बच्चा मेरा की हो गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का सघन दौरा किया, अस्पताल परिसर में मौजूद सभी विभागों की जांच की। स्वास्थ्य सचिव ओपीडी सेंटर से अपना निरीक्षण शुरू किया और जिसके बाद लैब, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, एक्सरे सेंटर, अल्ट्रासाउंड हाउस, मुफ्त दवाखाना पहुंचकर सारी जानकारियां इकट्ठा की और सुबह से शाम तक स्वास्थ्य सचिव की जाँच प्रक्रिया चलती रही, जिसमें कि जिले की उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी आवभगत में वहां पर लगे रहे उनके आगे पीछे। इक्विपमेंट्स का सदुपयोग हो, इक्विपमेंट्स की जो शॉर्टेज है उसके लिए भी जो प्रिंसिपल साहब हैं मेडिकल कॉलेज के, वो सभी विभागों के साथ मीटिंग करके जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है उस इक्विपमेंट को उपलब्ध करवाएंगे। 2-3 सोर्सेज हमारे पास हैं, हमारे पास आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी इस अस्पताल में करीब 2.5 करोड़ रुपये हैं और DMFT के अंतर्गत भी जिला प्रशासन के पास राशि है। इसके बाद राज्य सरकार भी राशि जैसी आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराएगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हमारा आग्रह होगा कि जहाँ शॉर्टेज हो, जहाँ गैप्स हो, उन गैप्स को भरें। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटेंशन,